नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में शुक्रवार को चौपाल युवा छात्र संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ नगर निगम के पार्षद और शिमला व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया और रक्तदान भी किया। रक्तदान शिविर में छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने रक्तदान किया, साथ ही लोगों को भी रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस शिविर में IGMC के डॉक्टर आए हैं और सारा ब्लड IGMC भेजा जाएगा। इस मौके पर नगर निगम के पार्षद और शिमला व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने चौपाल युवा छात्र संघ को रक्तदान शिविर का आयोजन करने पर बधाई दी और कहा कि रक्तदान महादान है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सकता है। शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी रहती है और इस तरह के शिविर लगाकर अस्पतालों में रक्त की कमी और दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चौपाल युवा छात्र संघ समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन कर अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लोगों से भी समय समय पर रक्तदान करने का आग्रह किया और कहा कि रक्तदान करने से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 35वीं बार अपना ब्लड डोनेट किया है और लोगों से भी आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। सबसे पहले तो मैं चौपाल युवा छात्र संघ को मुबारक देना चाहता हूँ। ये हर साल इस तरह की कैंप लगाते हैं और देखिए, रक्तदान एक महादान है, हम इससे दूसरे की लाइफ बचा सकते हैं। एक छोटा सा जेस्चर है, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस तरह के कैंप्स लगा के, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे सारे हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है, जितने ब्लड बैंक हैं। तो मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब भी ये मुझे यहाँ इन्वाइट करते हैं ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। मैंने स्वयं आके ऐसा तो मैं यूजली देता रहता हूँ, लेकिन ऐसे ओकेजन पे आके देना, मैं और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। ताकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जो ब्लड दे रहे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है, अभी तो आप किसी ना किसी की लाइफ बचा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रवि जोड़ता और इनके पूरे जो इनकी पूरी टीम है, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सब मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। तो आप पहले मैं इस एज में बिल्कुल रुष्ट पुष्ट हूँ और 35 बार जिस तरह आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने ब्लड दिया था तब भी आप वहीं पे थे। तो जब भी मुझे मौका मिलता है और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ब्लड डोनेशन से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम किसी ना किसी की लाइफ बचा रहे हैं और हमें बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। और इस तरह के कैंप्स में एक फ़ायदा ये है कि हॉस्पिटल में लोगों को थोड़ा सा भय रहता है, जैसे कोरोना का समय भी बीच में चला या कुछ है, तो इस तरह से और भी लोग मोटिवेट हों। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। थैंक यू।